हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1 का जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना सीखेंगे। ये सब देखो क्वेश्चन सिमिलर ही है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताया था ना, अंडर रूट 5 को नंबर लाइन में शो करना, वैसे ही दिया गया है। यहाँ पर बस अंडर रूट 3 है, तो सेम सॉल्व होगा। बस चेंज क्या हो जाएगा, जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है वो अंडर रूट 3 हो गई है, जैसे यहाँ पर अंडर रूट 5 थी, तो यहाँ पर भी हमारा जो बेस और परपेंडिकुलर है उसका वैल्यू थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो आइए कैसे सॉल्व करना, मैं पहले आपको कॉपी में समझा देता हूँ। बाकी अगर प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा या किसी भी नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे वीडियोस के लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से जाकर के अपने डाउट्स क्लियर कर लेना। आइए अब सॉल्व करते हैं इसे कॉपी में। देखो, हम जानते हैं क्या है कि जब कभी भी हम लोग के पास इस तरीके के नंबर आ जाए अंडर रूट वाले, और उनको अगर हमको नंबर लाइन में शो करना है, तो वहाँ पर हमको एक राइट एंगल का ट्रायंगल बनाना पड़ता है, तभी हम वहाँ पर उसको रिप्रेजेंट कर पाते हैं। अदरवाइज डायरेक्ट तो सॉल्व करना है वहाँ पर, यानी डायरेक्ट शो करना, लोकेट करना पॉसिबल नहीं है। तो राइट एंगल में क्या होता है ना, कि जो भी नंबर हमको दिया हुआ है एक्चुअल में वो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। जैसे ये जो हमको अंडर रूट 3 दिया गया है, ये हमारा यहाँ पर आएगा, ठीक है। वो भी आपको समझ में आएगा यहाँ पर क्यों आ रहा है, जब लाइन में मैं शो करूँगा ना तब आपको क्लियर होगा। पहले आप सिंपली ये समझ लो कि जो हमको क्वेश्चन में अंडर रूट 3 दिया हुआ है वो हाइपोटेन्यूज होगा। अब हमको ये पता लगाना है कि अगर हमारा हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 3 है, तो हमारा जो बेस है वो कितना होगा, और ये जो हमारा परपेंडिकुलर है ये कितना है। तो हमेशा जो परपेंडिकुलर होता है ना, वो 1 ही होता है। कभी भी जब आप परपेंडिकुलर निकालोगे तो वो हमारा 1 निकलेगा। अब हम फॉर्मूला क्या जानते हैं कि जो हमारा बेस है, मान लो इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ, ए है ना, बी सी इस तरीके से नाम दे देता हूँ, या फिर ओ दे देता हूँ, सेंटर वाला नाम ओ दे दो, है ना। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा कि जो ए ओ होता है हाइपोटेन्यूज, हम जानते क्या है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि ए ओ का जो स्क्वायर होता है वो हमारा ए बी का स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर के सम के बराबर होता है, यानी कि ओ बी का स्क्वायर। तो अगर हमको ए ओ निकालना है, तब हमको क्या करना पड़ेगा, इस यहाँ पर स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये सभी हमारे अंडर रूट में आ जाएंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर। अभी तो हमको पता ही, एक ए बी का स्क्वायर कितना है, 1 का स्क्वायर है, और ओ बी का स्क्वायर हमको अभी पता ही नहीं यहाँ पर कि ओ बी की वैल्यू कितनी है। तो यही हमको ओ बी का वैल्यू पहले पता करना है। इसको पता करने का 2 तरीका है। एक तो आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफर करके भी सॉल्व कर सकते हो, इसको ट्रांसफर करके पता लगा सकते हो कि यहाँ पर हमारा कितना वैल्यू आने वाला है। और दूसरा तरीका क्या है कि हम क्या करें, यहाँ पर इसको दिमाग लगाएं कि हम कितना लिखें ताकि ये दोनों मिल करके हमारा अंडर रूट 3 बन जाए। तो कैसे बनेगा अंडर रूट 3, तो देखो अगर मैं इसको अंडर रूट 2 लिखूँ, पहले तो ये हमारा बड़ा वाला अंडर रूट है, इसमें 1 का स्क्वायर है, प्लस में अगर मैं अंडर रूट 2 का स्क्वायर कर देता हूँ यहाँ पर, तब ये हमारा क्या बन जाएगा, ये अंडर रूट बड़ा वाला रहेगा ही, 1 का स्क्वायर तो 1 ही बनेगा, और प्लस में हमारे पास ये 2 का जो स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर है, तो हम जानते हैं अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 जब होता है तो वो पूरा पूरा 2 बन जाता है। तो जब ये हमारा ओपन होगा तो ये हमारा 2 बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आ जाएगा वो अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो एक तरीका ये है कि आप डायरेक्ट दिमाग लगा करके यहाँ पर कुछ ऐसा वैल्यू लिखो ताकि हमारा अंडर रूट 3 आ जाए। दूसरा तरीका क्या है कि आप ट्रांसफर करके भी पता कर सकते हो। जैसे हमको अब यहाँ पर ओ बी का स्क्वायर निकालना है, तो ए ओ का अंडर रूट 3 लिख लो, और ए बी का इधर करके आप अल्टरनेट वाला तरीका यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हो, जैसे आपने क्लास 8 में सीखा है। मैं वो वाला तरीका आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। ये तो आपको मेथड समझ में आ ही गया, यानी कि हमारा जो ओ बी होगा वो कितना होगा, अंडर रूट 2 होगा, ठीक है। अब लेकिन ये वाला थोड़ा सा कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है इसमें, तो मैं आपको अल्टरनेट वाला जो मेथड है वो भी समझा देता हूँ, ताकि आपका ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाउट इसमें क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, केवल आप रट के एग्जाम में जाओगे कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो उसका तरीका क्या है, हमारा फॉर्मूला सेम ही रहेगा, ए ओ का स्क्वायर जो होगा वो ए बी का स्क्वायर प्लस में ओ बी का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो हमारा ए ओ का स्क्वायर कितना है, तो यहाँ पर ए ओ हमारे को कितना दिया हुआ है, अंडर रूट 3 दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसको हम लोग लिखेंगे अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। ए ओ का वैल्यू अंडर रूट 3 और स्क्वायर को उतार दो, इक्वल में ए बी का स्क्वायर। तो ए बी हम जानते हैं हमेशा हमको 1 लेना रहता है, ये जो हमारा परपेंडिकुलर है ना हमेशा 1 रहता है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। प्लस में ओ बी का स्क्वायर हमको पता नहीं है, हमको ओ बी की तो वैल्यू निकालनी है, हमको बेस ही मेन निकालना रहता है। मेन अगर आप बेस निकाल लिए तो नंबर लाइन आपका तुरंत बन जाएगा। तो यहाँ ये कितना हो जाएगा हमारा, 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर है, तो ये पूरा पूरा 3 हो जाएगा। ये 1 का स्क्वायर इधर है ना, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये 1 जब इधर आएगा, इक्वल की साइड हम ले आते हैं क्योंकि हमको तो ओ बी का वैल्यू निकालना है, तो इसको जब हम इधर लाएंगे तो ये प्लस में था, इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, इक्वल की उस साइड केवल ओ बी का स्क्वायर बच जाएगा। तो 3 में से 1 माइनस हुआ तो 2 आ गया, इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर। और हम जानते हैं कि ओ बी निकालना है, स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करना है, तो स्क्वायर जब ट्रांसफर होता है तो सामने वाला जो भी नंबर है वो अंडर रूट में आ जाता है। तो देखो ओ बी के वैल्यू यहाँ से भी हमारा अंडर रूट 2 निकल गया, और ऐसे भी हमने दिमाग लगा करके अंडर रूट 2 ही निकाला था। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमको अंडर रूट 3 शो करना है तो हमको बेस अंडर रूट 2 लेना पड़ेगा, और हाइपोटेन्यूज बोल रहा हूँ, परपेंडिकुलर जो है हमको 1 लेना पड़ेगा। अब आते हैं नंबर लाइन में कैसे इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करो, आप एक नंबर लाइन बना लो, स्केल का पीछे वाला जो साइड है ना इसको यूज़ करो, क्योंकि ये वाला मैंने पिछले बार मैं सेंटीमीटर वाला यूज़ किया था फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, तो थोड़ा सा क्या हो गया था हमारा, छोटा हो गया था, यानी कि ज़्यादा छोटा दिख रहा था, इसलिए थोड़ा बड़ा बनाने के लिए आप इधर वाला साइड को यूज़ करो। तो यहाँ पर हमारा, मैं इतना लंबा लाइन बना देता हूँ, ठीक है,
थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, क्योंकि हमारे डबल काम होने वाला है इस बार, तो इसमें हम लोग को डबल करना पड़ेगा। डबल काम क्यों होने वाला है ये मैं वो भी आपको समझाई देता हूँ, फिर यहाँ पर करते हैं इसको। तो देखो यहाँ पर आपको ये तो समझ में आ ही गया था कि जो ओ बी होगा हमारा वो अंडर रूट टू होगा, लेकिन अब हम लोग अंडर रूट टू स्केल से तो यहाँ पर निकाल नहीं सकते। जैसे हम लोग का अगर केवल टू आ रहा था तो हम लोग नीचे में टू यूनिट ले लेते, लेकिन अंडर रूट टू आ गया है इसका मतलब इसका भी हमको वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि दिमाग लगाते हैं कि अंडर रूट टू हम लोग कैसे ला सकते हैं। तो हमारा सेम यही वाला प्रोसेस रहेगा। अगर हमारे पास ए ओ कितना लाना है, हमारे को ए ओ हमको लाना है, सॉरी मतलब ए ओ जो हमको है ना इस बार कितना दिया हुआ है, अंडर रूट टू दिया हुआ है, इक्वल टू साइड में ए बी का स्क्वायर है प्लस में ओ बी का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास ये अंडर रूट टू है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट टू का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, हम जानते हैं वन ही होगा हमारा, और हमको क्या करना है ओ बी का स्क्वायर जाना है। अंडर रूट टू लाने के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार और बेस लेना पड़ेगा, तो ओ बी का स्क्वायर हमको पता नहीं है, तो यहाँ पर ओ बी का स्क्वायर इसको लिख दो। अब क्या करना है इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये हमारा टू हो जाएगा, ये इधर आकर के माइनस वन हो गया, इक्वल टू साइड में ओ बी का स्क्वायर, टू में से वन माइनस हो तो वन आ गया और इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर। तो हमको ओ बी का वैल्यू जानना था तो स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हमारा अंडर रूट वन हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर इधर आकर के इसको अंडर रूट मिल जाएगा, बच जाएगा केवल हमारा ओ बी, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको ये जो हमारा वैल्यू निकालना है ना, ये हमारा अब वन लेना पड़ेगा हमको। तो अब चलते हैं हम लोग नंबर लाइन में, और नंबर लाइन में इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। थोड़ा सा ये लाइन हमारा ज़्यादा पास में हो गया है तो थोड़ा सा दिक्कत करेगा बनाने में, तो इसको मैं थोड़ा सा और नीचे बना देता हूँ, ठीक। तो सबसे पहले आपको जैसे कि मैंने बताया एक लाइन बना लेना है, स्केल का ये साइड यूज़ करना, मेन नंबर लाइन में बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, बाकी वो सब तो सॉल्व कर ही लेते हैं, तो इसको आप अच्छे से समझो। तो ये हमारा बन गया एक नंबर लाइन, इसमें हम जानते हैं एक हमारा पॉइंट होगा जीरो, कहीं पर भी जीरो ले लो, जैसे मैं इसको ले लेता हूँ जीरो, ये हमारा वन हो गया, ये हमारा टू हो गया, ठीक है। इधर हमारा ये थ्री हो गया, ज़्यादा आगे तक जाना नहीं है, बस वन टू थ्री ही बना लो। अब हम जानते हैं क्या है कि पहले हमको अंडर रूट टू लाना पड़ेगा, तो अंडर रूट टू लाने के लिए हमारा बेस भी क्या होगा, वन होगा। और देखो जिस तरीके से हमारा अंडर रूट अगर टू लाना है ये वाला, तो अंडर रूट टू लाने के लिए हमारा बेस भी वन होना चाहिए, परपेंडिकुलर भी वन, और ये बेस भी वन होना चाहिए, तभी हमारा ये हमारा अंडर रूट टू आएगा। तो उसके लिए सिंपली आप क्या करो कि यहाँ पर ये जीरो से वन तक तो हो गया हमारा वन, वन यूनिट हो गया। अब इधर भी हमको वन यूनिट लेना है और एकदम सीधा लेना है, क्योंकि हम जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा एकदम सीधा लाइन रहता है। तो सीधा लाइन बनाने के लिए पहले तो आप क्या करो, हाफ यहाँ पर आर कट कर लो इस तरीके से, वो 90 डिग्री के एंगल बनाने वाला जो प्रोसेस है ना, सेम वही प्रोसेस यूज़ करना है आपको। उसके बाद यहाँ पर रख करके एक दूसरा आर कट करो, रेडियस आप अपने हिसाब से ले सकते हो, छोटा बड़ा कोई दिक्कत नहीं है, आपका 90 डिग्री बस बनना चाहिए। तो ये पहला जो आर कट हुआ वो 60 डिग्री का कट हुआ, 60 में रखेंगे तो अगला जो आर कट होगा वो हमारा 120 का कट होगा, फिर 60 से ही आपको ऊपर में कट कर लेना है और इधर 120 से रख के यही प्रीवियस वाले आर को कट कर लेना है। तो इससे क्या होगा, इन दोनों के बीच का हमको रेडियस मिल जाएगा, 60 और 120 के बीच हमारा आ जाता है 90 डिग्री। बस इसी पॉइंट को नीचे मिलाओगे ना तो एकदम ये सीधी लाइन बन जाएगी 90 डिग्री की। देखो इस तरीके से ये हमारा सीधा लाइन आ गया 90 डिग्री का। तो यहाँ पर आप एक डब्बा ही बना दो ताकि पता चले कि 90 डिग्री है। दूसरा काम क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर हमने जानते हैं कि इधर भी हमारा वन यूनिट है और ऊपर भी हमको वन यूनिट लेना है, तभी हमारा अंडर रूट टू आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको वन यूनिट नाप लेते हैं। तो वन यूनिट लेने के लिए यहाँ से यहाँ तक पहले आप मेज़र कर लो, ये हमारा वन यूनिट हो गया, वन में रखो और ऊपर में आर कट कर दो, तो यहाँ पर हमारा ये वन यूनिट का आर कट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इधर भी हमारा वन यूनिट आ गया परपेंडिकुलर। देखो इस तरीके से ये हमारा वन यूनिट हो गया, ये भी वन यूनिट है, यहाँ पर भी आप वन लिख ही दो, इसको भी वन लिख दो, तो ये हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो गया, अंडर रूट टू आ गया। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर हमारा यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो अंडर रूट टू है, तो हम जानते हैं कि हाँ हमारा जो बेस मिल गया, अब हमको अंडर रूट टू मिल गया है, तो हम बेस के साथ साथ इधर परपेंडिकुलर अगर वन बना दें तो अंडर रूट थ्री हमारा इधर मिल जाएगा, यानी कि जो इसका हमारा हाइपोटेन्यूज निकलेगा अगर इस लाइन को अगर हम लोग बेस ले लें। अभी फिलहाल के लिए आप ये ट्रायंगल भूल जाओ, अब हम लोग किसका यूज़ करने वाले हैं, अंडर रूट टू का यूज़ करने वाले हैं। तो इतना जो बड़ा लाइन होगा ना वो अंडर रूट टू का होगा। अब इसका यूज़ करके हमको एक दूसरा ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें हमारा अंडर रूट थ्री निकलेगा, तो ये हमारा बेस तो अंडर रूट टू हो गया। फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सीधी लाइन बना देते हैं 90 डिग्री के लिए। तो सीधी लाइन बनाने का सिंपल सा तरीका वही है कि प्रीवियस वाले लाइन पे आप छोटा सा आर कट करो, ज़्यादा बड़ा मत कर लो, है ना। मैं थोड़ा सा छोटा ही कर देता हूँ, इसको और छोटा कर देते हैं ताकि हमारा टाइम बचे। तो ये हमारा इस तरीके से एक सर्कल पहले बना लो, उसके बाद हम जानते हैं कि यहाँ पर वाले पॉइंट में रख के यहाँ पर कट करेंगे तो ये हमारा 60 डिग्री कट होगा, 60 में कट करके यहाँ पर रखेंगे तो 120 कट होगा। 60 से ऊपर वाले को कट कर लो और 120 से ही प्रीवियस जो हमारा आर्क है उसको कट कर लो। दोनों कट नहीं हो रहे हैं तो दोनों थोड़ा सा इसको 60 वाले को बड़ा कर लो आप, तो उससे आपस में वो दोनों कट हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा कट हो गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो हमको पॉइंट मिला है इससे अगर हम इसको मिलाएंगे तो ये हमारा वन यूनिट बन जाएगा, तो बस दोनों को आपस में मिला दो। तो ये हमारा एक सेकेंड, इन दोनों को मैं ऐसे मिला देता हूँ, तो ये हमारा कितना बन गया, वन यूनिट बन गया, ठीक है। सॉरी वन यूनिट नहीं बना है, अभी तो सीधा हमारा लाइन बना है। अब हम लोग क्या करेंगे, वन यूनिट जितना मेज़र किए थे इधर ना उतना ही मेज़र कर लेंगे फिर से। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक है,
तो यहाँ पर मैं रखता हूँ और वन यूनिट मेजर कर लेता हूँ, तो ये जो हमारा पॉइंट मिलेगा ये वन यूनिट मिलेगा, ठीक है यहाँ तक। तो देखो इधर अंडर रूट टू आ गया, इधर वन आ गया, तो हम जानते हैं कि अगर इधर अंडर रूट टू आ रहा है और इधर वन आ रहा है तो इधर वाला जो वैल्यू होगा वो जाहिर सी बात है अंडर रूट थ्री होगा। तो बस इसको यहाँ पर आप मिला दो और लिख दो अंडर रूट थ्री कुछ इस तरीके से। देखो ये हमारा बन गया और यही क्या होगा अंडर रूट थ्री होगा, लेकिन हमको शो कहाँ पर करना है, लंबर लाइन में शो करना है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, अंडर रूट थ्री के लिए यहाँ पर से इस लाइन को मेज़र कर लो, अंडर रूट थ्री वाला ये हमारा मेज़र हो गया, और उसके बाद ये एक लंबा सा आर कट करो नंबर लाइन में, तो ये हमारा ऐसे जाएगा और यहाँ पर एक आर कट हो गया, तो यही जो आर कट हुआ है वही कितना का कहलाएगा अंडर रूट थ्री कहलाएगा। तो बस यहाँ पर आप एरो करके भी ये तो डायरेक्ट भी ऐसे अंडर रूट थ्री लिख सकते हो, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। दो काम करना पड़ा, क्यों दो काम करना पड़ा, क्योंकि अंडर रूट थ्री निकालने के लिए हमको अंडर रूट टू का जरूरत था। तो पहले हमने अंडर रूट टू का ट्रायंगल बनाया और उसके बाद फिर अंडर रूट टू वाला में जो हमारा बेस मिला उससे फिर हमने वन डिग्री इधर ले लिया यानी कि वन यूनिट, और उसके बाद फिर हमारा अंडर रूट थ्री मिल गया हमको। तो मेन अंडर रूट टू का पहले फाइंड करो और फिर अंडर रूट थ्री ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। मैंने एकदम डिटेल में एक्सप्लेन इसीलिए कर रहा हूँ, दो दो मेथड इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपका डाउट इसमें क्लियर रहे। मेन आपका डाउट अगर क्लियर नहीं होगा ना तो आप रट करके कितना बार प्रैक्टिस कर लो आपका दिमाग में कन्फ्यूजन रहेगा ही एग्जाम में, इसलिए डाउट क्लियर करो, दो तीन बार ही प्रैक्टिस करो, आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो अगले क्वेश्चन हैं उनको भी मैं आपको इसी तरीके सिंपल मेथड में समझाते जाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।